हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज का वीडियो का एक केस डिस्कशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज, कैन अ लेडी जिसका AMH का वैल्यू 0.5 से कमती है, कैन दे बिकम प्रेग्नेंट विद देयर ओन एग्स? क्या वो खुद के एग से मां बन सकते हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, नॉर्मल वैल्यू ऑफ AMH इज एनीथिंग विच इज बिटवीन 2 to 8, राइट? जब कभी भी किसी का AMH का वैल्यू लेस देन 1.3 या 1.5 के नीचे चला जाता है, इसे हम बोलते हैं लो AMH। और जब कभी भी वैल्यू लेस देन 0.5 हो जाता है, इसे हम बोलते हैं वेरी लो AMH, राइट? जैसे कि आप जानते हैं, AMH अगर मैं ओवरी को ड्रॉ करूं तो AMH ओवरी के अंदर एग का जो रिजर्व है, ओवेरियन रिजर्व, ये इसका एक इंडिकेटर है। इसको आप गाड़ी के पेट्रोल की तरह समझिए। अगर पेट्रोल में टैंक में पेट्रोल कम है तो इंडिकेटर ई पे आ जाता है। इसका मतलब आपको जाके पेट्रोल पंप में वापस पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और वापस इंडिकेटर नॉर्मल पे आ जाएगा। लो AMH, वेरी लो AMH मतलब वो इंडिकेटर ई पे आ चुका है पर आप इसको रिफिल नहीं करा सकते, राइट? इस चीज में काफी बार, काफी जगह पे लोगों को हमेशा किसी और के एग, मतलब डोनर एग से ही ट्रीटमेंट करने की सलाह दी जाती है। सो वी विल आंसर 4 बेसिक क्वेश्चंस। क्या AMH 0.5 के नीचे खुद के एग से ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है या नहीं? उसका आंसर है यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। क्या इस चीज में कोई सप्लीमेंट्स, जैसे कि आपने कॉमनली सुना होगा DHEA, मल्टीविटामिन, टेस्टोस्टेरोन, क्या ये सारे सप्लीमेंट्स इस वैल्यू ऑफ AMH पे काम करते हैं या नहीं? तो उस चीज का आंसर है नो। एट वैल्यू ऑफ लेस देन 0.5 आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स आर गोइंग टू हैव वर्चुअली लेस देन 2% इफेक्ट, मतलब वो काम करने की शक्यता 2% से भी कम है। थर्ड, कि आपको क्या कंपल्सरीली IVF करना जरूरी है? सो द आंसर इज, अगर आप IVF करेंगे देन इट इज डेफिनेटली मच मच बेटर। दूसरा ऑप्शन है इज टू ट्राई अग्रेसिवली नेचुरली अगर आपकी एज लेस देन 30 है तो। बट आपको यह ध्यान में रखना है कि ये सिचुएशन में IVF करने के बाद में 10-15% चांस है प्रेग्नेंट होने का, वो भी डबल स्टिम्युलेशन करने के बाद। और अगर आप नेचुरली ट्राई करते हो अग्रेसिवली, वो भी अगर आपकी एज लेस देन 30 है, तो आपको 3-4% चांस है प्रेग्नेंट होने का इन एवरी मंथ। पर ये प्लीज ध्यान में रखिए, ज्यादातर लोगों को IVF सजेस्ट किया जाता है जिसमें डबल स्टिम्युलेशन, जो डुओ स्टिम प्रोटोकॉल है, वो यूज किया जाता है, वो करने के बाद 10-15% चांस है प्रेग्नेंट होने का। हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर, स्टिम्युलेशन होने के बाद कैसे एग पिकअप किया जाता है और कैसे एग दिखते हैं, ये दिखाने वाले इसी वीडियो में। सक्सेस रेट, इस चीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप IVF करते हैं तो अराउंड 10-15% खुद के एग से, और अगर आप नेचुरली ट्राई करते हैं तो अराउंड 3-4%। बट आपको ये जो नेचुरली ट्राई करनी है, दिस हैज टू बी प्रीटी अग्रेसिव। भगवान के लिए जस्ट एक टैबलेट ले ली और मैंने ट्राई किया और नहीं हुआ, दैट इज नॉट कॉल्ड एन अग्रेसिव प्रोटोकॉल। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, आपको ये प्रोटोकॉल में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। हमारा जो पार्ट टू है, हम अभी उस पे शिफ्ट करते हैं। सो हाय, दिस इज द पार्ट टू। देखिए, इसमें हम आपको एग पिकअप का लाइव प्रोसीजर दिखा रहे हैं इस पेशेंट का जिसका AMH 0.5 से कमती है। ये जो स्टिम्युलेशन है, ये डबल स्टिम्युलेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने HMG मतलब ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन करके एक इंजेक्शन दिया है। आपने देखा सामने की साइड पे 2 फॉलिकल्स जैसा था, इस साइड पे 3 है, मतलब टोटल कितना हुआ, 2+3=5। बट जब कभी भी AMH लो रहता है तभी इसमें से काफी सारे फॉलिकल्स एम्प्टी होने के भी चांसेस ज्यादा है। ये देखिए, हम नीडल मार के ये फॉलिकल्स को पूरा खींच के बाहर निकाल रहे हैं। इसी चीज को हम हमारे IVF लेबोरेटरी में एग्जामिन करने जाएंगे, और जब हम एग्जामिन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेशेंट में अंदर से सिर्फ 2 eggs है। इन 2 eggs के साथ में IVF किया जाता है, और ऐसे सिचुएशंस में डबल स्टिम्युलेशन करने के बाद 10-15% चांस है प्रेग्नेंट होने का। ये देखिए, 2 egg आपको अंदर दिख रहे हैं। एनी फर्दर क्वेश्चंस, फील फ्री टू व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।